ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। आई नो आज का दिन रोमन रेंस के फैंस के लिए पचा पाना काफी मुश्किल हो, क्योंकि हमने रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में देखा जो कि था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। वहां पर लगभग आज से एक साल पहले से ही यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि रोमन रेंस वहां पर जीत जाएंगे और बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली जब ब्रॉक लेसनर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या इसके पीछे रीजन है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आगे रोमन रेंस का क्या होगा। तो इस एपिसोड में हम इन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो रेसलमेनिया 34 के अंदर हमें काफी सारे शॉकिंग मोमेंट देखने को मिले, लेकिन फिर भी शॉकिंग मोमेंट की लिस्ट में नंबर वन पर रोमन रेंस की हार को रखना चाहूंगा। शायद आप में से कुछ को आज का जो स्ट्रीक टूटना है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा, जो कि शॉकिंग भी था, लेकिन वैसे भी से तो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि आज का स्ट्रीक आज नहीं तो कल टूटने वाली थी। लेकिन मेन इवेंट में रोमन रेंस का चैंपियनशिप मैच हारना ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। अब एक चीज तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि WWE के ओरिजिनल प्लान्स यही थे काफी टाइम पहले से कि रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस को बनाया जाएगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, और WWE ने हाल फिलहाल में अपने प्लान्स में चेंजेस किया। वो कुछ दिन पहले थे, कुछ महीनों पहले थे, कुछ हफ्तों पहले थे, आखिरी मोमेंट पर थे, ये बात तो हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि WWE के ओरिजिनल प्लान्स यही थे कि रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस को बनाया जाएगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, रोमन रेंस क्यों नहीं जीते रेसलमेनिया 34 में चैंपियनशिप, तो इसके पीछे जो रीजन हो सकते हैं उसमें से एक बड़ा रीजन ये, वो मैं आपको पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका था कि अगर रोमन रेंस हारते हैं रेसलमेनिया 34 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो इसके पीछे एक कारण जो होगा वो होगा जो ब्रॉक लेसनर एंड WWE कंपनी के बीच उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहे हैं। अगर ब्रॉक लेसनर आगे अपने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लेते हैं तो हमें रेसलमेनिया 34 पर ब्रॉक लेसनर जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऐसा ही रेसलमेनिया 34 पर देखने को मिला। इसके अलावा एक चीज यहां पर ये भी, जैसे कि हम देख रहे हैं रोमन रेंस का रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड है, और एक तरह से सभी ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 34 में। और हम जानते हैं WWE जाने जाती है हमें शॉक देने के लिए, हम कह रहे थे यार WWE प्रेडिक्टेबल हो गई एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस का जीतना, इससे पहले भी जिस तरह से ये चल रही थी साफ लग रहा है कि WWE की जो स्टोरीलाइन चल रही है वो इसी डायरेक्शन में चल रही है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 34 पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। लेकिन फिर WWE ने अपने प्लान चेंज किए, वो भी ऑब्वियस इसलिए क्योंकि WWE नहीं चाहती थी कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो पहले से प्रेडिक्टेबल बन जाए। और हम रेसलमेनिया की बात करें तो जो रिजल्ट हैं वो प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसे ही में रिजल्ट देखने को मिले जो काफी ज्यादा शॉकिंग थे। जैसे कि हमने शिंसुके नाकामुरा एंड एजी स्टाइल्स के मैच में देखा, कहां सब लोग सोच रहे थे कि शिंसुके नाकामुरा जीतेंगे, उल्टा यहां पर शिंसुके नाकामुरा मैच भी नहीं जीते और उनका हील टर्न भी हो गया। तो हम कह सकते हैं WWE की जो ऊपर एक धब्बा सा लगा हुआ था कि अब बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है, पहले ही हर कोई रिजल्ट का अंदाजा लगा लेता है। लेकिन रेसलमेनिया 34 के अंदर हमने जो कुछ देखा वो उन सभी बातों को गलत साबित करता है, और कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 34 के अंदर हमने बड़े बड़े शॉक देखे वो इसीलिए कि WWE अपने ऊपर वो प्रेडिक्टेबल वाला धब्बा हटाना चाहती थी। एक रीजन यहाँ पर रोमन रेंस जो हारे रेसलमेनिया 34 के अंदर वो ये भी हो सकता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, वो ये कि सभी फैंस को पता था कि यार WWE रोमन रेंस को पुश करती है हमेशा, हम देखते हैं वो अच्छे मोमेंट पर जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी काफी मिलती है, और अपॉर्चुनिटी तो मिलती है साथ साथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करते हैं। जैसे कि हमने एलिमिनेशन चेंबर में देखा, वहां पर रोमन रेंस का जीतना सभी को लगा यार WWE तो अभी भी उसी गाड़ी में चल रही, रोमन रेंस को पुश दिया जा रहा है, और रेसलमेनिया 34 के जब मेन इवेंट में आ गया तो भी सभी को लगा कि रोमन रेंस को ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप मिलने वाले। और हमने देखा था कि जब रोमन रेंस की एंट्रेंस हुई तो वहां पर रोमन रेंस को क्राउड ने लाउड बू दिया था, क्योंकि वहां सभी को पता था कि रोमन रेंस ही यूनिवर्सल चैंपियन निकलकर बाहर आने वाले। तो यहां पर ये चीज भी एक तरह से स्टेटमेंट साबित करती है WWE की तरफ से कि जो लोग कहते हैं रोमन रेंस को पुश दिया जाता है, और यहां पर तो रोमन रेंस मेन इवेंट पर भी पहुंच गए और फिर भी वो मैच को नहीं जीते। तो कहीं ना कहीं जो फैंस रोमन रेंस को इस बात के लिए हेट करते हैं कि यार इसी बंदे को हमेशा पुश दिया जाता है, इसी को जिताया जाता है, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में आकर भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को नहीं जीते, क्योंकि रोमन रेंस को हेट मिलने का बड़ा कारण ये है कि फैंस को लगता है कि रोमन रेंस को ज्यादा ही पुश जाता है, और ऐसे में रोमन रेंस को मेन इवेंट में लाकर चैंपियनशिप ना जिताना कहीं ना कहीं उन बातों को अब गलत साबित करता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें जो वहां बैठी ऑडियंस है वो रोमन रेंस को पसंद करती हुई भी दिखाई दे। लेकिन अब सवाल ये कि आगे रोमन रेंस का क्या होगा, तो अभी आने वाले रॉक एपिसोड में चीजें क्लियर होंगी कि क्या ब्रॉक लेसनर के लिए प्लान होंगे, रोमन रेंस के लिए क्या प्लान होंगे। अगर हम रोमन रेंस की बात करें तो उनको तो किसी भी तरह से आगे बुक किया जा सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यहां पर ये कि अब जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन है तो हमें आगे रॉक एपिसोड में भी देखने को मिलेंगे, तो ब्रॉक लेसनर कोई छोटा मोटा ओपोनेंट तो नहीं मिलेगा ऑब्वियस बात है। फिलहाल रोस्टर में देखकर तो लगता नहीं कि रोमन रेंस के अलावा कोई चैलेंज करने के लिए तैयार है ब्रॉक लेसनर को, तो ऐसे में हो सकता है ब्रॉक लेसनर को या तो कोई रिटर्न करता हुआ सुपरस्टार चैलेंज करता हुआ दिखाई दे, या फिर रोमन रेंस एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करें और एक बार फिर से हमें रोमन रेंस चैंपियनशिप की पिक्चर में आते हुए दिखाई दें। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप मैंने आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स क्लियर कर देंगे, तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताने कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया 34 में आना आपके लिए कितना ज्यादा शॉकिंग था। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।